सब्जी जो बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहे हैं और ये सब्जी आप खाओगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं, आज मैं आपको सिखाती हूँ सिंपल तरीके से तरोई की सब्जी हम कैसे बनाएं जो बच्चे भी खा लें और बड़ों को भी बहुत अच्छी लगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने ली है, हम तीन लोग हैं, झरना तो छोटी है तो वो तो थोड़ा बहुत खाती है, तो हम तीन लोगों के बीच में मैंने ली है आधा किलो तरोई। उसके लिए मैंने बहुत ही महीन महीन सी प्याज काट ली है और थोड़ी सी मिर्ची चॉप करी है और ये तरोई को मैंने चॉप कर लिया और धुल के रख दिया है। अब मैंने थोड़ा सा तेल लिया है जो मुश्किल से बहुत ही कम ऑयल में हम इसको बनाएंगे, जो बहुत ही मतलब तरोई हो गई, लौकी हो गई, कद्दू हो गई, ये बहुत ही कम मतलब ऑयल में आप बनाइए तो ये बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि इन सब्जियों का खुद का अपना एक अलग फ्लेवर होता है। तो अब हम देखेंगे, हमने ये ऑयल डाला है, अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा और हींग का इस्तेमाल करूँ। सबसे पहले ये मैंने डाल दिया थोड़ा सा, ऑयल हमारा गर्म हो गया और ऑयल गर्म हो गया मैंने इसमें जीरा डाल दिया थोड़ा सा, और हींग जो कि मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है, ये मैं हर सब्जी में डालती हूँ और आपको भी डालना चाहिए, क्योंकि ये हर सब्जी में डाल के आपके मतलब डाइजेशन सिस्टम को अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़रूर डाल रही हूँ इसको। तो मैंने ये डाल दिए, अब ये जब जीरा हमारा क्रैक कर लेगा फिर तो इसके बाद हम इसमें प्याज और मिर्च दोनों को एक साथ डाल देंगे। दोनों को डाल दिए, ये दोनों अच्छे से फ्राई हो रही है। इसमें हम ज़्यादा किसी भी मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ, जो मेरी फैमिली में तो सबको बहुत पसंद है। इसमें तरोई का अपना ब्राउन हो जाए उसके बाद में इसमें कुक करेंगे। बस इसमें हम हल्दी इसलिए डालते हैं क्योंकि हल्दी जो होती है एंटीसेप्टिक इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए हम इसको ज़रूर डालते हैं, इसका इस्तेमाल हम ज़रूर करते हैं। ये हमारी हल्दी भी बहुत अच्छे से हो गई है, अब मैं इसमें डाल दूँगी तरोई और इसको हल्के हल्के तरीके से अपना चला देंगे अच्छे से। इसमें हम अपना नमक अभी से हम जरूर डाल देंगे, क्योंकि नमक जो है धीरे धीरे इस चीज को जला देता है। नमक हम स्वादानुसार डालेंगे, आपको जितना पसंद है, वैसे ये सब्जी में बहुत ही कम नमक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो ये सब्जियाँ तब तक बहुत ही भूली रह जाती है, तो इसीलिए इसको हम और इस सब बस हमने ये इतना काम कर लिया। इसमें हम हरी मिर्च डाल चुके हैं जो कि जिसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। इसमें हम और किसी मसाले का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने हल्दी का इस्तेमाल किया है और नमक का इस्तेमाल किया और इसको हम धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि तरोई, लौकी, कद्दू इन सब में अपना खुद का ही पानी होता है, तो वो उसी से पक जाएंगे और हम इसको बहुत ही स्लो करके और इसको हम अच्छे से कवर कर ढक देंगे और ये 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। 10 मिनट के बाद हम देखेंगे कि ये बनकर कैसे तैयार। तो गैस मम्मा जैसा आपको बताया 10 मिनट का समय है उसको पकने के लिए, तो मैं थोड़ा मम्मा का क्रिएटिविटी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये बनाया मम्मा ने, ये चौकी है जिसमें आटा मिलता है, हाँ, तो ये मॉम्स किचन मम्मा ने और ये सर विद लव, ये कार्डबोर्ड से बनाया। अब चलो इधर से ये है थोड़े मंडला आर्ट मेड बाय माय मॉम,
डॉट टाइप वो फॉर वॉल रहेंगे दोनों साइड है गेट्स के, जिसमें बहुत अच्छा लगता है। और इधर भी लोगों ने बनाया है ये बॉटल्स, बॉटल आर्ट कहते हैं, बहुत सी बनाई है उन्होंने, एक ये बनाई है। देखिए तोरई जो है पक चुकी है, बस हल्का सा ये जो पानी है ये हल्का सा कच्चा कच्चा लग रहा है, इसको अभी हम और पकनेंगे, थोड़ा सा पानी को रिड्यूस होने देंगे और इस तरीके से हल्का हल्का तोरई को हम दबा देंगे। इसको अभी हम 5 मिनट, अभी हमारे 5 मिनट हुए हैं, 5 मिनट हम अभी इसको और रखेंगे, हमारी सब्जी थोड़ी 5 मिनट बाद। तो गाइस ये है मेरी झरना जो कि बहुत शैतानी है और बहुत काम करती है दिन भर और फोन ही देखती रहती है। मम्मी बताती है जितनी देर मैं स्कूल में रहती हूँ कभी कभार तो फोन ही देखती रहती है। चलो हाय बोल दो। हाय गाइस। हे गाइस। फोन ही दस्त है अभी। जाएगी सब्जी हमारी प्रॉपर तरीके से बन चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया इसमें गार्निश कर दूंगी। धनिया हमें हर सब्जी में लेना चाहिए, मेरा सोचना यह है कि हम लोग ऐसे फॉलिक एसिड किसी भी रूप में हमें नहीं मिलता है, तो फॉलिक एसिड के लिए धनिया जरूर डालिए। इसमें फॉलिक एसिड होता है जो हमारे बच्चों के और हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये हमारी टेस्टी सी सब्जी तैयार है, अब हम रोटी सेकेंगे। गाइस यहाँ पे खाली मम्मा बना चुकी हैं और हो चुका है हम लोग का खाना रेडी और ये मेरी फेवरेट सब्जी जैसे कि मम्मा ने बताया होगा। चलो मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसी बनी है। बहुत अच्छी है गाइस, एज यूजुअल जैसे कि हमेशा बनाती है मम्मा। तो बस आज के लिए बस इतना ही और मिलेंगे आपको फिर से किसी और अगले ब्लॉग में। बाय।